वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, कोयले की दलाली में हाथ काला। ये कहावत ही नहीं, सच्चाई भी है। साल 2012 में कोयले की दलाली में कांग्रेस का हाथ ही काला नहीं हुआ था, बल्कि कांग्रेस की यूपीए सरकार पर कालिक फूट गई थी। बेहद सस्ती कीमतों पर खदानों से कोयला निकालने के ठेके निजी कंपनियों को दिए गए। सोचिए जरा, भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला प्राकृतिक संसाधन कोयला ही कांग्रेस सरकार में जब घोटाले का शिकार बन गया, तो कांग्रेस ने कहां कहां कैसे कैसे घोटाले नहीं किए होंगे। बहरहाल कोयले पर लौटते हैं। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के मुखिया थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने जनता से कई वादे किए थे। हालांकि उनके कार्यकाल में उनके वादों की कम और घोटालों की ज्यादा चर्चा। छवि वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दूसरी पारी में एक के बाद एक इतने घोटाले सामने आ चुके हैं कि अब तो समझ भी नहीं आ रहा कि इस देश को सिस्टम चलाता है या फिर घोटाले। साल 2004 से 2009 के बीच हुए घोटाले में करीब 100 कंपनियों को नियमों के विरुद्ध जाकर कोयला खदानों का आवंटन किया गया था। बेहद सस्ती कीमतों पर बगैर नीलामी के खदानों से कोयला निकालने के ठेके निजी कंपनियों को दिए गए थे। इस घोटाले से देश को करीब 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस घोटाले में कैग ने तत्कालीन सरकार पर मनमाने ढंग से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की कंपनियों को कोयला भंडार के गलत आवंटन की बात कही थी। कांग्रेस ने कोयला कंपनियों के साथ मिलकर जो खेल खेला था, उससे न सिर्फ देश को आर्थिक नुकसान हुआ था, बल्कि देश की छवि भी खराब हुई थी। इस घोटाले का सबसे रोचक पहलू ये है कि 2004 से 2009 के दौरान कोयला मंत्रालय शिबू सोरेन और प्रधानमंत्री के पास रहा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वही प्रधानमंत्री जो रिमोट से चलते थे। ठीक पहचाना आपने, उन्हीं मनमोहन सिंह के कोयला मंत्रालय संभालने के दौरान घोटाला हो गया। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला। अंतिम रिपोर्ट में ये रकम 1,86,000 करोड़ तक रुकी थी। भारत की जनता का ये काला सोना यूपीए सरकार के दामन पर सबसे बड़े घोटाले की कालिक बन गया। कांग्रेस मतलब करप्शन के अगले एपिसोड में देखिए। अब समय जो है काफी निकल चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालों की जांच सीबीआई भी कर रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स की जो तैयारियां हैं उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है।